नाम बताइए। हमारा नाम बचाऊ महाराज है, उर्फ गंगा प्रसाद पाठक। आज ये किस प्रकार की बारात निकल रही है, कहाँ से उठी है? ये मणिकर्णिका रामलीला समिति, मणिकर्णिका घाट पर रामलीला होती है, वहाँ से उठी है और गोल घर मैदागिन होते हुए, चौक होते हुए यहाँ आ रही है, फिर मणिकर्णिका घाट पर जाएगी। कितने सालों से आप लोग? ये करीब 250-250 वर्षों से चल रही है। कैवी बारात है, और बारात में क्या क्या नया रखा गया है इस बार? इस बार तो कुछ कम किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि हमारी जगह जो है काली रोड में चली गई है, वहाँ आने जाने की असुविधा हो रही है, इसलिए बारात को छोटा किया गया है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना की लहर की वजह से सब कुछ बंद है। हाँ, बंद। इस बार क्या उत्साह है अलग, और क्या जुड़ रहे हैं आप लोग? अब इस साल तो हम लोगों ने जो है इसको शुरू किया है पुनः, फिर तो उत्साह के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ तो कमी आ ही सकती है कोरोना के कारण। सरित कुमार सिंह, डब्लू सिंह। इस प्रकार क्या ये बारात है और सामने लगा है? इसमें एक से एक घोड़ा है, लाग है, ऊंट है, बैंड है, ताशा है, बहुत तरह के सारी व्यवस्था है। इसके साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा जुलूस इनका साथ जाता है मणिकर्णिका घाट पे। बात करें अगर कोरोना की लहर की, जैसे बता रहा है कि मैंने बताया कि कोरोना की लहर में सारी चीज़ बंद हो गई थी, तो इस बार किस प्रकार से आप लोग तैयारी किए और क्या क्या कैसे कैसे इकट्ठा किया गया चीज़ों? अभी तो हम लोग रामलीला कमेटी वाले ही मिलजुल के सब आपस में सारी व्यवस्था किए हुए हैं, और बढ़िया व्यवस्था किए हुए हैं। इस बार बाढ़ की वजह से रामलीला अपनी जगह पे नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे? बाढ़ आने की वजह से मणिकर्णिका घाट की रामलीला एक हफ्ते से दूसरे जगह पे हो रही है, घर में। कहाँ पर लीला हो रही है? ब्रह्मनाल में। कब तक आप लोग लीला वहाँ पे करेंगे? जब तक पानी है ना हट जाए, पानी हटता ही हम लोग वहाँ चले जाएंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।